हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वेज चाउमीन रेसिपी। मैंने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही हेल्दी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस। आइए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने जितने भी वेजिटेबल्स है उसे अच्छे से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, ग्रीन चिली ली है और गाजर लिया, और ये बीन्स है जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिए। और यहाँ पे मैं मटर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मटर मैंने छील के रख लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लगभग 2 ग्लास पानी डालेंगे जिससे हम चाउमीन को बॉयल करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अब हम पानी को एकदम बॉईल करेंगे। जब हमारा पानी देखिए खौलने लगा है, अब हम इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो चाउमीन है वो एकदम स्टिकी स्टिकी हो जाएंगे। इसे हम कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक चलाएँगे, इसे चेक करते रहेंगे ये चिपक तो नहीं रही है। इसे हम धीरे धीरे हल्के हाथों से बस हल्का हल्का चलाते रहेंगे। इसे हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा चाउमीन जो है वो बॉयल हो गया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे, इसका पानी जो है ड्रेन आउट कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से, अगर आपके पास स्ट्रेनर हो तो स्ट्रेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे एक छन्ने से निकाल रही हूँ और ये दूसरी थाली में ऐसे रख के उसे फैला दूँगी जिससे ये एक दूसरे से जो नूडल्स है वो चिपकेंगे नहीं। आप इसमें हल्का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे नूडल्स जो है वो एक थाली में अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। अब इसमें जितने भी वेजिटेबल्स हैं सारी वेजिटेबल्स को डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना इसका स्वाद जो है वो चला जाएगा। इसमें मैंने देखिए सारे वेजिटेबल्स जो है ऐड कर देते हैं। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पत्ता गोभी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स काफ़ी हेल्दी हैं और बच्चों को ये नूडल्स बहुत पसंद आते हैं, और स्पेशली ये सब वेजिटेबल्स डाल के उन्हें खिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए हमारा फ्राई जो है वो सब्जी, ये मैं जितने भी वेजिटेबल्स हैं सारे देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी। नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे जो सब्जियां जो है वो कढ़ाई में लगेंगी भी नहीं। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ब्लैक सोया सॉस डाल रही हूँ। ब्लैक सोया सॉस डालने के बाद भी इसे हम अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे जिससे जितनी भी हमारी सब्जियाँ हैं वो कढ़ाई में चिपकेंगी नहीं। अब मैं इसमें 2 चम्मच विनीगर डालूँगी। विनीगर डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम चलाएंगे जिससे ये सारे सब्जियों में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर रही हूँ। नूडल्स ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जितनी भी सारी सब्जियाँ हैं सारी सब्जियों को इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए इसे मिलाना है। देखिए ये हमारे नूडल्स जो है वो कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहे क्योंकि इसे हम एकदम परफेक्ट टाइम पर हमने बॉयल करके निकाला। ये स्टिकी एकदम नहीं है, ये कितने खुले खुले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका बॉयलिंग में है, इसे अच्छे तरीके से बॉयल करें। हमें एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि गर्म पानी में 2 से 3 मिनट तक हमें चाउमीन को है वो बॉयल करना है। देखिए हमारी सारी सब्जियां जो है वो मिल गई हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप इसमें ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं और या फिर कोई मैगी मसाला हो तो मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा चाउमीन जो है वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है और कितने स्वादिष्ट है, इसे एक बार घर में ज़रूर बनाएं। अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे टोमेटो सॉस का इस्तेमाल करूँगी। इसे अच्छे से टोमेटो सॉस के साथ हम डेकोरेट कर लेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस को अलग बर्तन में भी सर्व कर सकते हैं, मैंने नूडल्स के ऊपर ही सर्व किया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी है स्पेशली बच्चों के लिए। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।